देखो मम्मा, आज तीन तीन नहीं चार चार टिफिन लगा रही, क्योंकि अभी एक आ रहा है। और ये देखो, देख सकते हैं आप, चार टिफिन मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि दो कनिष्का राज के हैं और दो जो ऊपर हमारे रहते हैं उनके हैं, क्योंकि उनके यहाँ सिलेंडर खत्म हो गया था इसलिए मैं लगा रही हूँ। महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और मैं अभी बच्चों को स्कूल छोड़ के आई हूँ। बारिश थोड़ी देर के लिए रुक गई थी तो बच्चों को स्कूल छोड़ आई हूँ। और ये साल की पहली बारिश थी, बहुत बारिश हुई है पूरी रात बरेली में। और अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि बादल आ रहे हैं और जोरों की बारिश होगी आज भी। और रोड पे हमारे साइड में मिट्टी पड़ी हुई है तो पूरी रोड पे मिट्टी मिट्टी कचरा सा हो गया है, बिल्कुल गाड़ी फिसल रही थी। बहुत मुश्किल हो गई बच्चों को स्कूल छोड़ने में। और सबसे बड़ी बात, हमारे यहाँ लाइट नहीं आ रही है, क्योंकि बारिश होती है तो लाइट कट कर देते हैं। और लाइट नहीं आ रही है तो पानी भी नहीं आ रहा है। अब सारा नहाने धोने का पानी जो भी है वो बाहर नल से भरना पड़ेगा, तो मेहनत स्टार्ट करनी होगी। किचन में साफ करके डालूंगी, उसके बाद नहाऊंगी और पूजा करूंगी। लोग चाय पी लीजिए, काम स्टार्ट करने से पहले मैं चाय पी लूं, उसके बाद मुझे दवाई बांटने भी जाना है। और मैं बता रही थी, देखो बादल फिर से आ रहा है, देखो बादल फिर से आ रहा है, बारिश होगी, देखना कैसे दवाई बांटने जाएंगे आज। तो अभी थोड़ी देर पहले भविष्यवाणी की थी कि बहुत जोरों की बारिश होने वाली है आज बरेली में, तो चलो थोड़ा हम दिखाते हैं आपको बरेली के बारिश के जलवे। ये देखो कितनी तेज बारिश हो रही है, बादल दिखाए, बिल्कुल बादल मर चुका है के दो तीन बार बारिश हो चुकी है आज सुबह से। और बेचारा मेरा एक पार्सल आया था इतनी ही बारिश में, मैंने बताया था ना मेरा बैक सीटर खराब हो गया है, कई कस्टमर मेरे बैग्स वाले लौट रहे हैं, तो मैंने बैक सीटर मंगाया था और वो आ चुका है। देखते हैं कैसा निकला है। ये आया है 444 रुपए का, मैंने 450 ही दे दिए, 6 रुपए वापस ले लिए, सारा की बारिश में आया था। ये इस तरीके का बैक सीटर है, ये मैंने मंगाया था। और पहले वाला मेरा सिंपल था, वो ऐसा नहीं था, नोवा का था वो। ये इसमें अलग हो जाता है, ये अच्छा है क्योंकि पहले वाला जो हीटर था तो उसका जो टिफिन था वो इस तरीके का था, उसमें ही चिपका हुआ था, तो उसे धुलने में बहुत दिक्कत होती थी क्योंकि पानी ना चला जाए, इस चीज को हमें ध्यान रखना पड़ता था, तो टिश्यू से मैं साफ करती थी। लेकिन ये ठीक है, इसे हम अलग से पानी से धुल भी सकते हैं और सही है ये प्रोडक्ट, मुझे अच्छा लगा। इस तरीके से इसमें कोई भी वैक्स आप डाल सकते हो, बीट्स वाली हो या फिर रीका वैक्स हो या कोल्ड वैक्स, कोई सी भी वैक्स आप इसमें डाल सकते हैं। और उसमें गर्म करने के लिए दे रखे हैं बटन, ऑन ऑफ दे रखा है, अच्छा है ये। अब मैं इसको ट्राई करके देखूंगी कि चल रहा है नहीं या नहीं, प्रोडक्ट तो मुझे अच्छा लगा देखने में, हीटर तो अच्छा आया है, आपको मैंने दिखाई दिया है इस तरीके का ये हीटर है, सही है। और अब मैं इसको देख लूँ जरा ट्राई करके ये चलता है कि नहीं, तो देखती हूँ यहाँ तक इसका वायर पहुँचता है कि ना, वायर इसका छोटा लग रहा है मुझे, यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा, तो कैसे ट्राई करूँगी मैं, चलो फ्रिज पे रख के ट्राई करते हैं। ये मैं फ्रिज पे रख दिया है, यहाँ ट्राई करता हूँ क्योंकि वायर इसका जो आया है छोटा है बहुत, तो मेरा ये बोर्ड लगा हुआ है फ्रिज वाला, इससे ट्राई करती हूँ मैं। इसका लाइट तो चला नहीं है,
लाइट नहीं आ रही है, लाइट नहीं आ रही है और इसमें इन्वर्टर भी नहीं चलता है। ओ माय गॉड, मुझे लगा कि हीटर खराब है। हद हो गई। चलो अब देखते हैं चल के कहाँ लगाऊं मैं इन्वर्टर, तो इसी में आता है। चलो उसी पे ट्राई करते हैं चल के। तो दोस्तों मैंने इसको इन्वर्टर वाले अब शॉर्ट पे लगाया है, देखते हैं इस पे। तो दोस्तों देखिए मैंने इसको इस वाले स्विच पे लगाया क्योंकि इसमें इन्वर्टर की लाइट आती है और इसका वायर जो छोटा है इसलिए मैंने इसको चेयर की हैंड पे रख दिया है। और अब इसको मैं स्विच को ऑन करती हूँ। अरे ऑन तो करो इसको। अरे वाह, ये देखिए जल चुका है। पहले तो मैं डरी गई थी कि कहीं ये खराब ना हो, तो हीटर मेरा सही आया है और अब मैं वैक्स करूंगी इससे। इसके बाद थैंक यू मीशो। सही सही ये घर बैठे ही शॉपिंग हो जाती है, बाहर जाओ तो बहुत दिक्कत होती है इस समय। और अच्छा है ये प्रोडक्ट। ये तो मैं डरी गई थी क्योंकि इस वाले बोर्ड में लाइट वाली लाइट आती है, इसमें इन्वर्टर की सेटिंग नहीं है। तो मैं डर गई थी कि मेरा हीटर जो है वो ठीक नहीं है, खराब आया है। फिर मुझे एकदम से याद आया कि लाइट नहीं आ रही है, इन्वर्टर पे चला के देखती हूँ। तो उस वाले बोर्ड में फिर मैंने लगा के देखा तो हीटर सही है, अच्छा है। और लेकिन थोड़ा सा डर था, वो मुझे लगा, हर किसी को ही लगता है कि लो इतनी मुझे मंगाया, 4-5 दिन मैंने वेट किया और मुझे अब ये वापस करना होगा। एकदम से दिमाग में 2-3 ख्याल आ गए थे, कोई ना, लेकिन अच्छा था। अब मुझे जाना है स्कूल बच्चों के, क्योंकि राज की मैम का कॉल आया मेरे पास। उन्होंने पता नहीं क्या किया है, ये तो वहां जाकर ही पता चलेगा कि उन्होंने क्या कांड किया है इस बार। देखती हूँ मैं जाकर। बच्चे छोटे होते तो सब कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे बड़े हो जाएंगे तो कोई परेशानी होगी, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि बच्चे जब छोटे होते हैं तब कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तब पेरेंट्स को बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अब देखते हैं कि उनकी क्या तारीफ सुनने को मिलती है हमें, चल के देखते हैं। स्कूल में मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी लेकिन मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि उनकी क्या शिकायत मिली है। शाम हो गई है और मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। मैं राज के स्कूल में गई थी तो टीचरों ने मुझे बताया कि उसका इंग्लिश का जो वर्क है वो कंप्लीट नहीं है और वो टीचरों की बात नहीं सुन रहा है, बस इतनी सी शिकायत थी उसकी। लेकिन मुझे तो लगा पता नहीं क्या करा होगा उसने। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ मैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।